हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद आज मौसम कुछ अच्छा हुआ है। देखिए, पौधों में अच्छी खासी रौनक गई है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पत्तियाँ निकल करके आ गई हैं। फूलों में फूल, कलियाँ जो बंधी हुई थी धूप पा करके आज फूलों में तब्दील हो गई हैं। दोस्तों ये देखिए कितने सुंदर सुंदर ये सब फूल खिलने वाले हो गए हैं, जो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी देखिए, ये सब हमारे जो बीजान पड़े हुए थे ठंडक की मार पा करके, सब में रौनक आ गई है। ये देखिए, ये हमारा कैलांचो है, कितना सुंदर है ये। और दूसरा ये पौधा है, ये भी फूल वाला पौधा है। ये भी सालविया है और ये भी सालविया है। बाकी सारे पौधे जिनमें जिनमें फ्लावरिंग होनी है वो हो रही है। ये देखिए हमारे आइस प्लांट के ये पौधे हैं, इनमें कितनी सारी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं ये। इधर उधर देखिए, कलियाँ भी कितनी खिली हुई हैं। और ये पीले वाले फूल तो बहुत ही, इनको कॉसमोस बोलते हैं, बहुत सारे फूल हो गए हैं। पीली गुलदाउदी गार्डन से चली गई है तो कॉसमोस ने उसका स्थान ले लिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। फूल काफ़ी मात्रा में निकल रहे हैं, हमने इनके बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमने जो पोर्चुल का और पर्सलेन के पौधे जो है, मैंने कटिंग करके इनमें खाद पानी दे दी थी, तो देखिए धीरे धीरे इनकी ग्रोथ पकड़ने लगी है। कितने सुंदर सुंदर ब्रांचें निकलने लगी हैं। अभी मैं इसको 2-3 दिन धूप लगने के बाद में फिर कोई ना कोई लिक्विड खाद दूंगी, जिससे बहुत सारे ब्रांचें बन करके निकलेंगी। और ये हमारा ये जो टावर वाला है, इसमें भी पकड़ लिए हैं, सब जड़ें पकड़ ली हैं। कटिंग से जो पौधे तैयार करो तो पहले जड़ें तैयार होने में कुछ समय लग जाता है। और ये देखिए स्प्रिंग अनियन तैयार हो रहा है। और भाई ये देखिए, ये तो फ्लावरिंग के ये भी पौधे हैं। और ये देखिए, मैंने एक झाड़ू की जो ऊपर के हिस्से की पाइप होती है, उसमें मैंने होल करके ये वांडरिंग जू लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, जड़ें पकड़ ली हैं। छोटी छोटी कटिंगें लगाई थी मैंने, बड़ी आसानी से चल गई हैं। देखिए नए नए इनमें जो है, नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं। इससे ये एक संकेत मिल जाता है कि पौधे ने जड़ पकड़ ली है। और ये हमने इसमें लगाया था ये टर्टल वाइन, टर्टल वाइन भी धीरे धीरे लग रही है। बाकी ये देखिए हमारा ये पंजी का पौधा है, पंजी के भी बहुत खूबसूरत फूल हैं। और ये देखिए, इसमें मैंने 2 पौधे लगा दिए थे, एक ये येलो, ये तो खूब बड़ा पौधा निकला हुआ है, और दूसरा है ये मरून। और ये देखिए, ये गर्मी वाली गुलदाउदी है, इसमें भी कलियां आ गई हैं। गर्मी अब कलर नहीं पता चला है पाएगा, क्योंकि ये नर्सरी से लाए हुए पौधे हैं। 2 पौधे हैं हमारे पास इसके, ये गर्मी वाली गुलदाउदी है, तो इसमें भी जो है अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि उम्मीद लग रही है। पौधा हेल्दी है तो फूल भी आएंगे। ये हमारे कोलेंडुला हैं, अभी इसमें कोई फूल वूल नहीं है। नर्सरी से जब मैं लेकर के आई थी तो उनके फूलों की मैंने कटिंग कर दी थी, तो अब ये देखिए बड़े बंध गए हैं। अब धीरे धीरे इनमें भी फ्लावरिंग होगी, जो जो ये धूप पाते जाएंगे तो पौधा जो है अच्छी स्थिति में जाता जाएगा, क्योंकि ठंडक के कारण पौधे में थोड़ा ग्रोथ स्लो हो गई थी। ये देखिए हमारे डहेलिया के पौधे हैं, अच्छे से 4 पौधे हमने लगाए थे, तो जो भी बीज हमारे पास उपलब्ध थे मीशो द्वारा मंगाए हुए, उसी से मैंने इनके पौधे तैयार की थी और लगाया था। तो पौधों में फ्लावरिंग होती रही, धीरे धीरे फ्लावरिंग होती रही, और अब ये दोबारा से फ्लावरिंग होगी। एक पौधा हमारा ख़राब हो गया है, ख़राब हो गया तो फिर मैं उसको जो है हटा दूंगी। देखिए ये भी हमारे बीजों से उगाए हुए पौधे हैं, अभी इनमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। बाकी सारे प्लांट हेल्दी हैं, सब तैयार हैं। जैसे जैसे बसंत ऋतु आएगी, हो सकता है ये बसंत ऋतु में होने वाले पौधे हों, जिनमें अभी पत्तियां और तो बहुत हेल्दी हैं, लेकिन अभी इनमें कोई न कलियाँ दिख रही हैं और ना ही और ज़्यादा कोई उम्मीद लग रही है कि 15 दिन अभी इसमें कुछ प्रोग्रेस होगी। तो दोस्तों बहुत सारे पौधे हमारे पास हैं, लेकिन अभी कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। धीरे धीरे उनमें फ्लावरिंग होगी, और जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता जाएगा, जो जिस सीजन के पौधे हैं उस सीजन में फूल देंगे। अब जिनकी जानकारी नहीं है तो सीजन से पहले हमने लगा रखे हैं, लेकिन जब उनका सीजन आएगा फ्लावरिंग, वो तभी करेंगे। दोस्तों
पौधे लगा लिया है, उसी से गार्डन किसान है, नहीं फूल हैं तो कोई बात नहीं, पौधे में हरियाली है, हमारा गार्डन हरा भरा है। पौधों को बारिश की वजह से मैंने उठा करके यहाँ टीन शेड के नीचे रख लिया था। जैसे इस पंजी में बहुत सारी कलियाँ भरी हुई थी, बहुत सारे फूल खिले हुए, तो मैंने सोचा इनको हटा लिया जाए, नहीं तो बारिश की वजह से पौधे के फूल ख़राब हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी नहीं अच्छा लगेगा। और फिर मैंने धीरे धीरे सारे पौधों को जो उठा पाई उनको उठा करके ले आई। ये देखिए, ये गजानिया का पौधा भी मैंने दो चार दिन पहले ही मंगा करके इसको इस पॉट में शिफ्ट किया है। ये डार्क फ्लावर है और ये देखिए बेहद खूबसूरत, बहुत ही सुंदर कलर, ये है जरेनियम। पहली बार मैंने गार्डन में इसको लगाया है दोस्तों, अच्छी फ्लावरिंग है। चार दिन हुए मैंने इसको मंगाया है, लेकिन अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, ये भी नर्सरी वाले पॉट में ही लगा हुआ है। इन दोनों की पॉलीथीन की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मुझे उनको जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ा, लेकिन इसको अभी मैं रुक करके थोड़ा सा रिपोर्ट करूंगी क्योंकि नया पौधा है हमारे लिए, अभी इसकी केयर भी हमें अच्छी तरह से नहीं मालूम है, तो थोड़ा संभल करके इसकी रिपोर्टिंग करूंगी क्योंकि पौधा भी महंगा है। तो धीरे धीरे मैं इसको पहले अपने सारे पौधों के बीच में रख करके इनका परिचय करवा लूँगी अच्छे से, उसके बाद में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और ये देखिए कैलांचो में कितनी बेहतरीन फ्लावरिंग होने लगी है, बहुत सारे फूल, बहुत इसके फूल जो है जैसे के तैसे बने रहते हैं, महीना महीना भर ये लगे रहते हैं इसी तरह से। सबसे ज़्यादा तो यही खास बात रहती है कि जैसे गुलदाउदी काफ़ी समय तक टिकी रहती है गार्डन में, उसी तरह ये कैलांचो भी गार्डन में लगे रहते हैं। एक एक पौधे में देखिए जैसे तैसे जितनी ब्रांचें हैं उतने फूल भरे हुए हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। कुछ में अभी फ्लावरिंग होने वाली है, ज़बरदस्त सब पूरे भरे हुए हैं। मुझे तो जो भी डिब्बी डिब्बा मिला सब में मैंने कैलांचो लगा दिया, कम से कम 12-15 हमारे पास पौधे हैं कैलांचो के और सब में अभी फ्लावरिंग होने वाली है। ये देखिए बेहद ही खूबसूरत, कलर भी बहुत अच्छा लगता है। हाइब्रिड कैलांचो की खोज करती रही लेकिन हाइब्रिड कैलांचो नहीं मिल पाया मुझे, तो नहीं मिल पाया। अब देखती हूँ मैं कहीं ना कहीं से इसका जुगाड़ भिड़ाऊँगी। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कितने सुंदर ये हमारे हाथ के बनाए हुए गमले हैं। मैं जब भी इनके पास आती हूँ तो एक बार भर नज़रों से इनको देख लेती हूँ कि देखिए अपने हाथ के बनाए हुए कितनी सुंदर कलाकृति है। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।